लड्डू है ठीक और डाले मिलावट को देख रहे हैं ये डिस्टिल वाटर है ठीक है ये डिस्टिल वाटर है और यार ये हाइड्रोक्लोरो एसिड HCl इसका हमको एक दो ड्रॉप लेना देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि इसमें जो रंग यूज हुआ है वो खाद्य रंग है खाने योग्य ठीक है अब आपको एक और टेस्ट दिखाती हूँ ये टेस्ट तू पकड़ना अब ये मैं आपको मगज लड्डू दिखाती हूँ जिसको हम लोग कहाँ से कलेक्ट किए हैं जो शीशी में भर के बेचते हैं गाँव में ऐसा छोटा छोटा लड्डू होता है ना देखिएगा से बोली रहे खाए नहीं है सुबह से ना अब आप लोग खाना खिला दो तो बोल लेंगे उसी को तो बता रहा है ठीक बस ये वही किया मैंने डिस्टिल वाटर डाला अब मैं इसमें HCl का एक दो बूंद डालूंगी उस पॉइंट डालने से ही दिख रहा है वो वाटर लेवल ये देखो कलर चेंज हुआ इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें कलर चेंज नहीं हुआ था देखो इसमें कलर चेंज हो गया मतलब कि ये अखाद्य रंग है ये हम लोग अपने लैब में करते हैं परीक्षण हाँ देखो और ये एकदम हाईली कार्सिनोजेनिक है ये कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर का कारक है ये मतलब अगर लगातार अगर आदमी ये चीज़ खाता रहे तो उसको 100% कैंसर होने की संभावना हो जाती है ना तो ये हमको यूज़ और ये साफ साफ लिखा होता है ये जो चीज़ें हैं ये आप अभी हम लोग को बता रहे हैं लेकिन जो किराना स्टोर्स होते हैं तो उसमें जनरली जो सीज़न शुरू होते हैं तो उसमें ये इसी टाइप के जो लड्डू हैं और ये पैकिंग करके आता है पैक करके आते हैं और अच्छे बड़े बड़े पैकिंग में जाते हैं क्योंकि कम नहीं मिलते हैं नहीं मैडम हम लोग लगातार वो हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं और ये डिब्बा भी हम लोग हर जगह से ये डिब्बा हम लोग हटाए हैं लेकिन फिर भी गाँव में जैसे जो छोटे छोटे ठेले वाले रहते हैं शहर में हो रहा है ठेले वाले रहते हैं नहीं नहीं शहर में नहीं ज़रूरी नहीं है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा मगज लड्डू खराब है हम जो ये कलेक्ट किए हैं हमको मिला ये चीज़ है ना ज़रूरी नहीं कि सारा मगज लड्डू ही रहेगा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें ये रंग मिला हुआ है ना तो वो ये इसमें क्या था खाने योग्य कलर था इसलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ और हमारे विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है लोगों को बताया जा रहा है सभी जलेबी वाले जलेबी रंग के नाम से वो मिलता है होता जलेबी रंग नहीं है ये इसको बोला जाता है मेटेलिक येलो कलर लेकिन उसको हम लोग कॉमन अपना भाषा में क्षेत्रीय भाषा में जलेबी रंग बोलते हैं है ना तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि हमको जो FSSAI से सर्टिफाइड है इसमें आप देखो आपको कहीं पर भी आपको ना लाइसेंस नंबर मिलेगा ना FSSAI कोई चीज़ नहीं है मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है खाने के लिए अयोग्य आप अगर गुपचुप ठेले वाले के पास जाओ उसके पास वो ऑरेंज कलर का वो मटर रखा रहता है उसको जाके बोलो तो बोलता है कि मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जब मैं किराना दुकान गया तो मुझे यही मिला अब वो तो पढ़ा लिखा रहता नहीं है उसको क्या पता कि नॉन एडिबल क्या चीज़ें हैं हम वही बताना चाह रहे हैं कि FSSAI से सर्टिफाइड हो लाइसेंस नंबर हो बैच नंबर हो देखिए बैच नंबर हो है ना कब पैक्ड हुआ उसका बेस्ट बिफोर कब है कब तक हमको इस्तेमाल करना है और प्लस उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है उसके बाद ही हमको कोई चीज़ें खरीदनी है सब्जी के बारे में बताइए सब्जी के बारे में सर सब्जी में बेसिकली हम लोग कलर का बता रहे हैं कि कलर आप डिटेक्ट कर सकते हो अब अगर कोई हार्मोन वगैरह है वो तो लेबोरेटरी का काम है ना अगर कोई कलर उसमें सब्जी में मिला हुआ है सपोज ये करेला है पता लग जाता है वैसे मैडम जनरली जो है जैसे केले का है हाँ पपीते का वो पूरा पता लग जाता है फिर भी अगर कहीं पे अगर हम कलर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे लेकिन हमको लग रहा है कि कलर है तो इसमें एक जनरल एक टेस्ट है कि आप उसको गर्म पानी में डीप करके रख दीजिए कोई भी सब्जी को 15-20 मिनट फिर जब आप उसको कॉटन से रब करेंगे तो पूरा वो कलर निकलता है जी ये ज़्यादातर आपका करेला हो गया आपका ये ग्रीन चिली हो गया और आपका वो शकरकंद होता है शकरकंद में भी रोडामिन करके कलर यूज़ होता है तो वो हमको हम घर में देख सकते हैं वो चीज़ें और ये सिल्वर फॉइल के बारे में मैंने आपको बताया है कि सिल्वर चांदी का वर्क यूज़ करते हैं ज़्यादातर काजू कतली में तो ये क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कॉस्ट बचाने के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो जब आप चांदी का जब आप ऐसा लेते हैं अलग से तो ये पूरा आपको हाथ में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा ये और इसको जब आप जलाएंगे ना तो ये ड्रॉप ड्रॉप जैसा पूरा जल जाएगा लेकिन अगर एल्यूमिनियम रहेगा तो वो झिल्ली जैसा आने लगता है और जब आप उसको जलाएंगे ना तो वो राख आ जाता है राख आने लगता है Thank you.
खाने योग्य मतलब ये सिल्वर है। वैसे तो हमको ज़्यादातर हमको अवॉइड करना चाहिए कि जो ज़्यादा कलरफुल चीज़ें हैं या जो ज़्यादा जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमको अवॉइड करना चाहिए ये चीज़ें खाने के खाने से। आजकल जनरली साइड इफेक्ट हो ही रहे हैं लेकिन ये परमिशेबल शुभ नाम बता। मैं रोशनी राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी रायपुर से। चलिए राज्योत्सव डॉट भारत में आपको इससे रिलेटेड जो भी लगता है आम जन से कि ये जरूरी है तो उसमें आप मेंबरशिप लॉगिन करके और अपने इसमें यूजर आईडी से आप उसमें डाल सकते हैं। थैंक यू।